नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हरिद्वार, जिसके नाम में ही हरि और द्वार हो, वो स्थान वाकई धरती पर हरि यानी भगवान का द्वार ही कहा जा सकता है, जहां पहुंचने पर जैसे देवताओं की नगरी में होने का एहसास होता है। इसी हरिद्वार में एक बहुत ही पवित्र स्थान है, हर की पौड़ी। तो आज हम इसी हर की पौड़ी के बारे में आपको बताएंगे कि इस पवित्र स्थान का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इसका पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य क्या है। घंटे घड़ियालों से गूंजते घाट, गंगा आरती में हो रहे मंत्रोच्चार से शुद्ध होता वातावरण, मन में आस्था और विश्वास लिए पतित पावन माँ गंगा के आंचल में डुबकी लगाते श्रद्धालु, ये मनोरम दृश्य मानो लघु भारत का एहसास कराते हैं। देवनगरी से दिखने वाले इस पवित्र स्थान को लोग हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। हर की पौड़ी यानी नारायण के चरण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं की माने तो कहा जाता है, समुद्र मंथन के बाद देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा अमृत के कलश को देवताओं और दानवों से बचाकर ले जा रहे थे। तभी पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदे कलश से छलक कर गिर गई थी और वो स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदे हरिद्वार में भी गिरी और जहां पर वो गिरी थी वो स्थान आज हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहां पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी के बारे में एक मान्यता ये भी है कि वैदिक समय के दौरान भगवान विष्णु और शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए थे, जबकि एक मिथक ये भी है कि हिंदू भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का सृजनकर्ता भी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। यहाँ घाट पर पदचिन्ह भी मौजूद है जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के हैं। वैसे तो गंगा में स्नान को ही मोक्ष देने वाला माना जाता है, लेकिन मान्यता है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। शाम के समय यहाँ महाआरती का आयोजन होता है, जिसे हरिद्वार की सबसे अनोखी और दिव्य आरती माना जाता है। आरती के लिए जिस तरह से हजारों दीप जलाए जाते हैं, पानी में बनता उसका प्रतिबिंब और गंगा नदी में बहते असंख्य सुनहरे दीपों की आभा ऐसा एहसास कराती है मानो माँ गंगा ने सितारों से सजी साड़ी पहनी हो। हर की पौड़ी के आसपास कई मंदिर और आश्रम है, इसलिए सूर्यास्त के समय आपको साधु सन्यासी गंगा में डुबकी लगाते हुए दिख जाएंगे। इस हर की पौड़ी घाट के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बात करें तो कहा जाता है मौजूदा समय में जो हर की पौड़ी घाट है उसका सबसे पहले निर्माण पहली सदी में हुआ था। इसे राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्थरी की याद में बनवाया था। भर्थरी लंबे समय तक गंगा किनारे ध्यान लगाते थे। जिस जगह वो ध्यान लगाते थे वहीं पर ब्रह्मकुंड है, जहां रोज शाम के वक्त हरिद्वार की मशहूर गंगा आरती होती है। इस पवित्र स्थान के बारे में जानने के बाद अगर आप यहां आना चाहते हैं तो आपको बता दें, यहां आना कोई मुश्किल नहीं है। हर की पौड़ी के लिए हर तरह के विकल्प आपके पास मौजूद है। देश के हर कोने से यहां आने के लिए भारतीय रेल सबसे अच्छा विकल्प।
इसके अलावा 100 से ज्यादा गाड़ियां यहां से आती जाती रहती हैं। बस और टैक्सी से भी यहां आना आसान है। यहां रुकने के लिए भी हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। जिसको जैसी सुविधा चाहिए वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से यहाँ होटल या फिर धर्मशाला में रुक सकता है।